My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. Sir, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है. मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है, सॉरी श्री कृष्ण जो है वो भगवान है. तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूँ, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. भाई साहब ने पूछा कि दीगर मजाहब में डिफरेंट डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है. इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाइत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है. आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दीगर मजाहब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो. अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो. अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो. खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है. वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं. हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में. अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है. तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पर खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं. उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, आई एम गॉड एंड विदाउट मी देयर इज नो सेवियर, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है. और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 एंड 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 एंड 5, that thou shall not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shall not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो. आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते. ये साफ अल्फाज में लिखे है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा. और ईसा अलैहि सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा. तो यहूद के हिसाब से खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं है. ईसाइत के हिसाब से खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं है. आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है वेद और उपनिषद. वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद. पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद. छंदों के उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1 नाकस्य कसिज, भगवान एक है दूसरा नहीं है. और लिखा है श्वेता सत्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालदेन नहीं, ना वालिदे ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं. और साफ तौर पे लिखा है श्वेता सत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल. न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं. और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म दुस्तिया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है. आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी. अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो. आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है. भगवान क्यों ने आके खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं. अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने.
وہ لوگوں کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں, اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو. اللہ ہمیں عہدہ دے رہے, آنر دے رہے, عزت دے رہے. جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عزت دیتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہ, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں, اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی جی. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے, یکساں ہے, کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے, اللہ نے آخری کتاب بھیجی, اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو, ذکر اور صحیح حدیث کو, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے. تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا, میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. کنفیوز تو آپ پہلے تھے, ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا, ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی آپ کیا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. اب اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے, خدا کو آنے کی ضرورت کیوں, ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟